हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे RSR हिंदी चैनल नाम लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। उसमें आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी और उसके सामने ही सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाएं और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और आपके लिए 1000 महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के प्रश्नों का कलेक्शन जो आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाए हैं। और अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा तो आप कोने पे 3 डॉट डॉट के निशान है उसको दबाएं और उसमें वीडियो क्वालिटी 120 360 480 है उसको 480 कर लीजिए तो आपको वीडियो एकदम साफ दिखाई देगा। आइए दोस्तों, देखते हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 91 में सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 वर्दिमर, कोफा, कोलर, कोफा, थारंडाई, कोलर, कोलर, कोफा, फ्राइड, वर्दिमर, फ्राइड, कोलर। तो देखिए, 5 सेकंड का टाइम होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 1 वर्दिमर, कोफा, कोलर, यह सही होगा। प्रश्न नंबर 92, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा काला कर्मो अनुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125, 83, 120, 110। तो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है, तो इसमें RPC ने स्टार दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 93 शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक विज्ञान, अनुपयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रयुक्त विज्ञान। प्रश्न नंबर 94 मानव विकास परिणाम है, आर्थिक कारकों का, वसागतीय वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारकों का, अभिप्रेरण कारकों का। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वसागति एवं वातावरणीय कारकों का। प्रश्न नंबर 95 शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से और उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 96 श्रृंखला अधिगम संबंधित है, टोलमैन से, थारंडाइक से, गेने से और ब्रूनर से। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गेने से। प्रश्न नंबर 97 किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है, कॉल ने, विलियम मैकडूगल ने, स्टेनले हॉल ने और ब्रिक्सन ने। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 स्टेनले हॉल। प्रश्न नंबर 98 मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे, जॉन डूई, कोलर, विलियम जेम्स और वाटसन। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाटसन, जेबी वाटसन। प्रश्न नंबर 99 सृजनात्मकता की विशेषता होती है, मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 100 नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव या नवीन अर्थ खोजने से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुभव है नवीन अर्थ खोजने से। 101 तो देखिए 101 में निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, तो स्वयंगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के स्वयंगों को पहचानना और सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा।
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 102, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं प्याजे, आशुबेल, रिचर्ड सचमैन और जॉन ड्यूई। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आशुबेल। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है, छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी और हेड प्रोजेक्टर और ऑडियो कैसेट। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, और हेड प्रोजेक्टर। प्रश्न नंबर 104, आत्म संप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है, प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति और उदातीकरण। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये भी आरपीसी ने इसमें स्टार दिया है। तो अपने आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106, वीडियो कॉन्फ्रेंस को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया गया है, दृश्य एक तरफा, दृश्य सर्वे एक तरफा, दृश्य सर्वे दो तरफा और दृश्य दो तरफा। तो प्रश्न नंबर 106 का उत्तर होगा, देखिए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दृश्य सर्वे दो तरफा। प्रश्न नंबर 107, कंप्यूटर वायरस है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉफ्टवेयर। तो आरपीसी ने 2015 में इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 नंबर माना था, वो सही माना था। और इसके बाद 2015 के बाद क्वेश्चन आया था, उसको आरपीसी ने स्टार भी दिया था इसमें। तो ये मैं आरपीसी की आंसर की के आधार पर बता रहा हूँ। तो 107 का होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 108, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित हैं ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एजुशेट के माध्यम से सीखना और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 109, अधिगमकर्ता व्यक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए और अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। प्रश्न नंबर 110, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा में व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वह आगमन प्रतिमान, सहपत्य सहप्राप्ति प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान और विकासात्मक प्रतिमान। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सहपत्य सहप्राप्ति प्रतिमान। देखिए प्रश्न नंबर 111, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा दी है। तो देखिए जॉन ब्रेकर, एनएल गेज, एंडमंड एमिडॉन और एच सी मॉरिसन। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एनएल गेज ने। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और सापेक्षता का नियम। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभाव का नियम। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे हैं अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग और गार्डनर। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 114, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता है क्लार्क हल, फ्राइड, मेस्लो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हल। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित है, शैक्षिक उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है, शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित है। प्रश्न नंबर 116, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य है उद्देश्य, उद्देश्य है संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 117, सही जोड़े का चयन कीजिए ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, सुकरात निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, फ्लेंडर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और अशुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अशुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। प्रश्न नंबर 118, शिक्षक कक्षा में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का और विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डी संरचनावाद, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास और वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन डीवी संरचनावाद। प्रश्न नंबर 120, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है एक सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास और अपरिपक्वता। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपरिपक्वता। तो ये थे मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में मैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो लेकर आऊँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे RSR हिंदी चैनल नाम लिखा है उस पर क्लिक कीजिए और उसमें आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो आप मेरे पहले डाले हुए वीडियो वो भी देख सकते हैं। और उसके सामने सब्सक्राइब जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और उसके सामने बेल आइकन है वो दबाएँ ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।